पापा शादी। क्या शादी? बिड़ंगल बिड़े एक आदरणीय शिक्षक होकर उसने दूसरी शादी कर ली। तुम्हें माधवी भाभी ने खुद बताया कि ऐसा हुआ है? तुम्हारी बात हुई माधवी भाभी से? हाँ। अच्छा मैं क्विंट अंजलि को फोन लगा के पूछता हूँ, तुम कॉल पे रहना, मैं कॉन्फ्रेंस करता हूँ। सच तो यही है कि शादी हो गई है। अच्छा ये सब कैसे हुआ अंजलि? देखिए डिटेल में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, एक काम कीजिए ना आप लोग जल्दी आ जाइए, हम यही बात करते हैं। ठीक है आता हूँ, मैं आता हूँ। आप कुछ भी बोलो मेहता साहब, भिड़े ने बहुत मतलब बहुत बड़ी गलती की है। माना गलती की है जेठालाल, लेकिन खुद माधवी भाभी से तुम्हारी फोन पे बात हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि भाई उन्होंने इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? अरे भाई माधवी भाभी एक लेडीज है, हो सकता है ये स्वीकार के पीछे उनकी कोई मजबूरी रही हो सकता है क्या? मुझे तो पूरा यकीन है ये सोनू के भविष्य के बारे में सोच के माधवी भाभी ने परिस्थिति का स्वीकार कर लिया। ये बात तो ठीक है, इस बात पे दम है जेठा। और एक पॉइंट और है जेठा, हो सकता है ये जो फ्लैट है ना भिड़े का, ये सिर्फ भिड़े के नाम पे हो, और माधवी भाभी को लगा होगा अगर इस परिस्थिति को मैं स्वीकार नहीं करूंगी तो भिड़े मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अरे ऐसे कैसे निकाल देगा घर से बाहर? गोकुलधाम सोसाइटी के मर्द क्या मर चुके हैं? नहीं नहीं जिंदा है, जिंदा है। इसके पहले कि भिड़े माधवी भाभी को घर से बाहर निकाले, हम भिड़े को ही उसके घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं जेठालाल, हम भिड़े को उसके घर से बाहर नहीं निकालेंगे। अरे हम उसे सोसाइटी से बाहर निकाल के फेंक देंगे। बिल्कुल बराबर बोला मेहता साहब आपने, बिल्कुल बराबर बोला। क्योंकि ये नराधम अगर सोसाइटी में रहा तो सोचिए टप्पू सेना पे क्या संस्कार पड़ेंगे। कल को तो वो लोग भी दो दो शादी करके आ जाएंगे तो हम तो उनका कुछ कह ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, अगर कुछ कहने गए तो वो तो सीधा कह देंगे, जब हमारे आदर्श दो दो शादी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? नहीं नहीं, बहुत बड़ा अपराध किया है, इस अपराध की सजा मिलेगी इसको। हाँ? शर्म आनी चाहिए भाई, माधवी भाभी जैसी अन्नपूर्णा देखो घर में कितना परिश्रम कर रही है, अचार पापड़ बना रही है, और इसने ये किया है। सच में ये तो वही बात हो गई मेहता साहब। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। यार एक तो जेठालाल हर जगह कोई भी शेर मत फिट किया करो भाई, इस सिचुएशन में नहीं बैठ रहा है वो। क्यों? अरे यार नहीं लूट लिया घर यार का क्या मतलब है? भिड़े ने किस यार का घर लूटा है? एक मिनट, यार का मतलब क्या होता है? दोस्त। बराबर, तो माना कि भिड़े और माधवी भाभी दोनों पति पत्नी है, लेकिन क्या वो दोनों दोस्त नहीं है? हाँ दोस्त तो है ना। बस तो फिर फिट हो गया ना, यार नहीं लूट लिया घर यार का। माधवी भाभी का बसा बसा या घर भिड़े ने उजाड़ दिया। अभी ओ शायर की भाषा कमजोर होगी, उसको उजाड़ शब्द मालूम नहीं होगा, तो उसने उजाड़ की जगह लूट लिया कर दिया। एक मिनट जेठालाल, सबसे पहले तो शायर नहीं शायर, भाषा नहीं भाषा, शब्द नहीं शब्द, और कमजोर नहीं कमजोर। और क्या बोल रहे हो तुम, शायर की भाषा कमजोर होगी? हद करते हो यार तुम जेठालाल। मेहता साहब हम दोनों को मिलके भिड़े के साथ लड़ाई करनी है, हम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? तुम्हारी वजह से यार, तुम्हारी वजह से बीच सोसाइटी में तुमने लूटपाट शुरू कर दी, यार नहीं लूट लिया घर यार का, क्या हद है यार ये। इस सोसाइटी में इतना सन्नाटा क्यों है? कहां गए सब लोग? हाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा भाई। हेलो अंजलि भाभी को फोन करके पूछो तो सही, कहाँ है वो लोग? तारक का फोन। हाँ। तारक कहाँ हो तुम लोग अंजलि? हम लोग जेठा भाई के घर पे हैं, और चाचा जी को ये न्यूज सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा है। अच्छा और वो भिड़े कहाँ? वो तो यही है, पर आप लोग कहाँ है? हम यही है। यहाँ मतलब कहाँ? मतलब सोसाइटी कंपाउंड में। अच्छा अच्छा जल्दी से ऊपर आ जाइए। ठीक है बस नीचे ही आ रहे हूँ। आ रहे चलो। अच्छा है वो लोग आ गए, अभी मिलके डिसाइड करते कि क्या करना है। हाँ फैसला की करना है, मैं तो कुटर देना है उन्हें। शांति रख भाई, जरा शांति रख। जेठालाल सब तुम्हारे घर पर है? मेरे घर पे? चाचा जी को सब पता चल गया है, भिड़े भी वही है, मुझे लगता है चाचा जी भिड़े को समझा रहे। अरे अब समझा के फायदा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया नहीं चिड़ा है, चिड़ा। अरे वो क्यों चिड़ा है? चिड़े तो हम है। अरे जेठालाल मैं चिड़ने वाले चिड़े का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ चिड़ा मतलब चिड़िया का पुल्लिंग, चिड़ा चिड़ा। तो अभी कुल मिला के क्या करना क्या है? करना क्या है, छोड़ेंगे नहीं इस चिड़े को, मतलब भिड़े को। हाँ, जिसकी वजह से हम चिड़े हैं। पर यार तुम फिर मत छुड़ो जाओ। ठीक है चलो भाई चलो। हम लोग पोपट भौजी को अपने सगे भाई से बढ़कर मानते हैं, उनकी शादी के कितने सपने देखे थे हम लोगों ने। नहीं हाजरी क्या क्या सोचा था हमने, पोपट भाई का रिश्ता लेकर जाएंगे, उनकी सगाई होगी,
हल्दी होगी, मेहंदी होगी, संगीत होगा, उसमें हम डांस करेंगे, बारात लेकर जाएंगे उसमें भी डांस करेंगे, पर मैंने तो तीन तीन साड़ियां लेके रखी थी। आ जाओ। अभी तक उसका उद्घाटन नहीं किया था, ये सोच के कि ये साड़ियां मैं सिर्फ पोपट भौजी की शादी में पहनूंगी, लेकिन हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया उन्होंने, दिल तोड़ दिया हमारा। ठीक है माधवी, अभी रो क्यों रही हो तुम? नहीं नहीं, रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है, अफसोस भी है, लेकिन खुशी की बात है कि पोपट भौजी की शादी हुई है। अब ऐसे चोरी छुपे शादी करके बहुत अन्याय किया है उन्होंने हम बहनों के साथ। वो हम भाइयों के साथ भी। हाँ, अन्याय तो हुआ है ऐसी शादी करके, लेकिन अभी हमें ये सब भूलकर नई दुल्हन को दिल से और खुशी से अपनाना है। हाथी भाभी धन्य है आप, धन्य। ईश्वर ने कितना बड़ा दिल दिया है आपको, कितनी महान है आप। लेकिन माधवी भाभी, महानता और त्याग हर बात में अच्छा नहीं है, पर माफी गलती की होती है, पाप की नहीं। पाप की तो सजा होती है, सजा। करेक्ट है, बरोबर है। ये चिट्ठलाल निर्लज को देखो, वहां और भर रहा है, हद हो गई है। अब तो बात करनी पड़ेगी। करते हैं। भीड़े भीड़े, आना जरा अंदर। क्यों, क्या हुआ जजे? कुछ बात करनी है बापूजी। क्या बात करनी? बस दो मिनट में बात हो जाएगी चाचा जी। अच्छा, तुझे भी बात करनी? हाँ, मुझे भी करनी है ना। चल आना। अरे 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 दरवाजा क्यों बंद किया? तो बंद होगा। सबसे पहले ये बता कर नई दुल्हन कहाँ है? अरे कहीं भी हो मेहता साहब, आपको उससे क्या? नहीं बता रहा ना, पोपटलाल के घर पे। पोपटलाल के घर? अरे मेहता साहब छोड़ो ना भाई, कहीं भी हो हमको उससे क्या? हमको तो भीड़े से बात करनी है ना। करो करो करो। अरे पर उससे क्या बात करनी है, ये सब अचानक हुआ। अचानक? हाँ अचानक। मंजे? अरे मंजे क्या, शर्म आनी चाहिए भिड़े, ये काम करने के बाद तुझे मुंह छुपाना चाहिए, तू सबके सामने सीना तान के खड़ा था। मैं क्यों मुंह छुपाऊं? क्योंकि जो घिनौना काम करता है ना, वो मुंह छुपाता है। ये मैंने कौन सा घिनौना काम किया है? चल अभी ज्यादा भोला मत बन, सीधा सीधा बता, ऐसा क्यों किया तूने? भिड़े तेरी वजह से पहली बार लेखक को गुस्सा आया, उसे हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है। कौन लेखक? कौन लेखक? अरे मैं तारक मेहता। आपको गुस्सा आ रहा है? हाँ? किस बात पर? ए, आता जास्ता भोला बनून बनवू नको, मैं तो खाना खाली वाजवन कान कान अरे कान कान छोड़ो कान छोड़ो अरे ऐस कान छोड़ो कान छोड़ो अरे क्या क्या तब से कान मोड़ रहे हो मेरा, क्या किया मैंने? अरे क्या मतलब खाना खाली वाजवन, मैं दो खाना खाली वाजवन। चप्पल में मार तो कहाँ चल रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं? अरे बापू जी, इसको सबक सिखाने का। अरे मारता है क्या थाल के तुम्हारा क्या वेट लगा है? अरे पास के किधर है? अरे जेठिया रुक जा, जेठा लाल क्या हुआ? क्या हुआ? क्या चप्पल मारना? जेठिया रुक के लगे नीचे लगा क्या? पास के किधर है? अरे पापा रुक, अबे गिर गया, रुक रुक रुक। जेठिया बाबू क्यों आ रहे हैं? अरे सुनो, मुझे भी नहीं पता, सॉरी। अरे जेठिया रुक जा, अरे क्यों मार रहे हो बुढ़े मास्टर को? अरे
अरे बाप रे, अभी यहाँ की तो सीढ़ी उतरा नहीं, क्लब हाउस की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। अरे अरे भिड़े मास्टर, कहीं और नहीं भाग सकता था क्या? अरे कहाँ गया ये? कहाँ गया ये? एक मिनट रुको, अभी पता चलेगा। माफ कीजिए, आप तो सब जानते हैं, पर बजाय इसके कि आप भिड़ों को पीटे, आप हमसे पूछ रहे कि क्या हुआ? अगर भाई मुझे पता है। हाँ? मुझे क्या पता है भिंडी मास्टर? अरे मुझे क्या पता? अरे तो मुझे क्या पता है, वो तुझे पता है तो तू बता ना भाई। महसूस आपको नहीं पता? नहीं पता भाई। कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? अंजलि ने खुद फोन पे मुझे बताया कि चाचा जी सब जानते हैं, चाचा जी को पता चल गया और भेड़े को समझा रहे हैं वो। मैंने ऐसा कब कहा? क्या बात कर रही हो अंजलि? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अरे कौन क्या बात कर रहे हो सब छोड़ो, लेकिन तुम दोनों मुझे मार क्यों रहे थे? अरे तुझे मारे नहीं तो क्या तेरी आरती उतारे? माधवी भाभी ने तो भले परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए तुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं तुझे हरगिज माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल कर रहूंगा। अरे मैं नहीं, हम हम बोले पर गल की है। आप दोनों क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे, छोड़ो, बोल क्यों रहे ये दोनों ऐसा? चिट्ठा भाई मेहता साहब, पहले ये तो बताइए कि भिड़े मास्टर का अपराध क्या है? हाँ। अरे भाई आप लोग तो ऐसे पूछ रहे हैं मुझसे जैसे आप लोगों को पता ही नहीं है कि भिड़े ने दूसरी शादी की है। अभी पप्पू के सदमे से बाहर निकले नहीं, और ये दूसरा सदमा, पीड़ू पीड़ू कह के बुलाता हूँ इसे, ये भी मेहमान निकला। अरे तू हट जा, तू हट जा। अरे 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 वजह से मेहमान हुआ है। अरे तुम दोनों आगे आगे ऐसे हुआ है, ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ है। माधवी माधवी बेटा, अरे कोई पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। हाथी भाई जरा देखिए क्या हुआ माधवी को। लगता है माधवी भाभी शौक के कारण बेहोश हो गई है। एक काम कीजिए, आप लोग हटिए, हवा आने दीजिए। हटो सब लोग, दूर हटो। पानी पानी मुंह पे मारो, मुंह पे मारो पानी। माधवी माधवी भाभी ठीक है? ठीक है भाई, तुम ठीक हो? तुम ठीक है ना माधवी? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपने दूसरी शादी की है? अरे मुझे नहीं पता माधवी, ये तुम दोनों क्या अनाप शनाप बक रहे हो कब से? दोनों का दिमाग तो ठिकाने पे है, मैं और दूसरी शादी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कितना झूठ बोल रहा है ये आदमी। अरे छोड़ो, खबरदार
खबरदार जो किसी ने भी एक दूसरे को हाथ भी लगाया तो मुझे क्यों मार रहे हो? तुझे नहीं मार रहा अभी। खबरदार जो किसी ने भी एक दूसरे को हाथ या पैर लगाया तो क्या भाई? बाबूजी मैंने इसलिए मारा क्योंकि इसने हाथ छोड़ा, आप नीचे गिर गए। आपको लगा कुछ नहीं लगोगे। और खबरदार जो किसी ने भी बिल्ली मास्टर को हाथ पैर सर या किसी भी चीज से मारा है तो। और महसूस तू बता, तू और जेठिया कब से बिल्ली मास्टर को मार क्यों रहे थे? अरे इसलिए मार रहे हैं चाचा जी, पहले भी बोला क्योंकि इसने दूसरी शादी की है। चुप! मैंने कोई दूसरी शादी नहीं है, कान खोल के सुन लो, मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। अरे ऐसा घटिया विचार तुम दोनों के मन में आ भी कैसे सकता है? एक शिक्षक हूँ, शिक्षक आदर्शवादी पति हूँ, आदर्शवादी पिता हूँ, अपने परिवार के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। देखो, अरे तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ है, अतिशय चुकीचा है, अतिशय। अरे मैं मेरी माधवी से इतना प्यार करता हूँ कि अगले जन्म में अगर माधवी मुझे पत्नी के रूप में नहीं मिली ना, तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगा। मेरे बारे में ऐसा सोचा तुम लोगों ने? मेरे जीवन में मेरा इतना बड़ा अपमान किसी ने नहीं किया। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरे संस्कार, मेरे आदर्श सबकी धज्जियां उड़ाई तुम दोनों ने। मेहता साहब, जेठालाल तो बोलने से पहले सोचता नहीं है, लेकिन आपने कैसे मान लिया ये? सही बात है। पर जेठालाल ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने तो मुझे फोन किया था। हाँ। अरे मुझे तो जेठालाल ने फोन करके कहा कि ये सब हुआ, इसलिए मैंने मान लिया। तो तुमने कैसे मान लिया जेठालाल? मुझे टप्पू का फोन आया था। पापा मैंने आपको कब कहा कि भीड़ अंकल ने शादी की है? पापा मैंने आपको कब कहा कि भीड़ अंकल ने शादी की है? अरे क्या बात कर रहा है बेटा, याद कर देख। ओ तूने मुझे फोन किया तभी मैंने तुझे पूछा कि किसने शादी की, तूने कहा मैंने शादी नहीं की, तो फिर मैंने बोला कि तो क्या बापूजी ने शादी की? कटाक्ष में मेरे मुंह से निकल गया बापूजी। तो फिर मैंने तुझे बोला कि तूने शादी नहीं की, बापूजी ने शादी नहीं की, तो फिर किसने शादी की? तो तू ही बोला ना भिड़े अंकल। अच्छा एक्चुअली पापा जब मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था ना, तो भिड़े अंकल ने मेरा से फोन छीन लिया। भिड़े अंकल? और मैंने बोला कि अरे भिड़े अंकल। तो अभी मैंने तो उसको सवाल पूछा था कि किसने शादी की, और मुझे फोन में सुनाई दिया भिड़े अंकल। तो मैं समझा कि भिड़े है मतलब तूने शादी की, और तेरी चूंकि एक शादी हो चुकी है, और अगर फिर से तू शादी करता है तो दूसरी शादी होगी ना, इसलिए मुझे लगा तूने दूसरी शादी की। जेठालाल, तुम किसी की बात ठीक से सुनते ही नहीं हो, बिना सोचे बोल देते हो। फोन पे भी तुमने मुझे बात करने ही नहीं दी, अपनी तुतारी बजा रहे थे। सॉरी बेटे माधवी भाभी, सॉरी बोलते सॉरी। बेटे मुझे भी माफ कर देना, वेरी सॉरी, क्योंकि सब गलतफहमी हो गई। तुम समझ में आ गया कि क्यों हुई है गलतफहमी? भिड़े जब तुमने शादी नहीं की तो शादी किसकी हुई है? पोपटलाल की। पोपटलाल ने दूसरी शादी की है? तो पहली कब हुई? यही प्रॉब्लम है जेठालाल, सुनते ही नहीं हो तुम। दूसरी शादी किसी की नहीं हुई है, एक ही शादी हुई है, वो भी पोपटलाल की। पोपटलाल से किसी ने शादी की? अरे पोपटलाल से किसने शादी की? पोपटलाल ने किससे शादी की? हाँ ये तो नहीं पता जेठालाल, कोई साउथ इंडियन है, लेकिन
अभी जो बातें हो रही थी ना वो पोपड़ के शादी की बात हो रही थी। और मैं फोन पर जो भी बातें कर रही थी ना वो पोपट भाऊजी की शादी को लेकर ही कर रही थी। मैं तो मैं पूरी विनम्रता के साथ दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख होने का अवार्ड ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं और मेरे परम मित्र जेठालाल दोनों को अवार्ड मिलना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख बिल्कुल हम लोग हैं ही भाई। कितनी बड़ी गलतफहमी पाल ली हमने। बहरहाल गलतफहमी दूर हो गई और हमें पता चल गया कि भिड़े ने दूसरी शादी नहीं की है, लेकिन खबर मिली झटके की तरह कि पोपट लाल ने शादी कर ली। भाई आपको फिल्म देखने जाएं पर फिल्म की कहानी आपको वहां को एक मिनट में सुना दे तो आपका क्या हाल होगा? वही हाल हमारा हुआ है। हम इतने समय से पोपटलाल की शादी के सपने देख रहे हैं, धूमधाम से करेंगे, और हमें ये खबर मिली कि उसने शादी कर ली। लेकिन सच ये है कि उसने शादी कर ली, उनकी एक साउथ इंडियन वाइफ है। लेकिन सब सवाल इस वक्त मेरे दिमाग में चक्कर काट रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से जल्दबाजी में शादी क्यों की, कब की, कहां की, हमें बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब गोकुलधाम निवासी क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, और जो फैसला लेंगे वो सही होगा या गलत, क्योंकि बिना ड्राइवर की कार और गोकुलधाम के हालात ये कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन यहां भी जाएंगे, आपके लिए हंसी लाएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।